कौनो काम ढंग के नहीं हो, झूठ बोल के सब काम किसानन के लूट लिए। शिवराज सिंह को हटाने से कोई फायदा नहीं, मोदी सरकार को पसंद नहीं कही चाहन में उनको मजबूरी, केहू को नौकरी नहीं दी आज तक की मोदी, 10 साल बीत गया। श्यामलाल द्विवेदी अगर चुनाव लड़े होते हैं, श्यामलाल द्विवेदी के टिकट मिला होता, श्यामलाल द्विवेदी चुनाव जीतते दोबारा। 8,000 की आप नौकरी करते हैं, इस क्षेत्र में ही मैं आपको 10,000 की नौकरी देता हूँ, करेंगे आप? बिल्कुल यही कर पाएंगे। मोदी सरकार 10 साल रही, 10 साल में मोदी सरकार कुछ नहीं दिया। अभी किसको वोट करने वाले, कुछ है आइडिया? वोट बीजेपी की टीम दे रहा है। क्यों भैया? 12 साल विधेयक ठीक नहीं है ऐसा नहीं, ये देहाती भाषा है, 12 साल कह रहा। चार छबरदा जब हुसैन देव चार मेयर के तो लड़ाई करी, एक मेरे गबरदा जब रही लड़ाई न कही, या ही बात था समझ रहा है ना। हम यह कही थे कि मोदी, अब मोदी के अलावा हमका समझ में नहीं आवे। आप इतिहास उठा के देख ले, जितनी सरकारें लंगड़ी रही हैं तो चली नहीं बहुत दिन। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी देख ले, इंद्र कुमार गुजराल के देख ले, देवगौड़ा का देख ले, ओके पहले उस राजीव गांधी की सरकार लंगड़ी रही, फिर ममता बनर्जी खींच ली थी, अटल बिहारी वाजपेयी गिरी, कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा 300-300 सीट में नहीं लड़े हैं। तो ये बताइए, अभी कांग्रेस की स्थिति को छोड़ दीजिए, आप बोल रहे हैं कि एक ही तरह के लोगों को रखना चाहिए, एक ही पार्टी को सत्ता देनी चाहिए, आपके कहने का मतलब ये है ना? तो आप ये बताइए, जैसे नेहरू जी के टाइम में एक ही पार्टी की सत्ता थी, राजीव जी के टाइम में एक ही पार्टी की सत्ता थी, इंदिरा जी के टाइम में भी एक ही पार्टी की सत्ता थी, एक ही पार्टी की सत्ता, तो उस समय क्या क्या अच्छे काम हुए थे? भारत काम कुछ नहीं, ना काम क्यों करते हैं आप बताइए? अच्छा, काम के कुछ नहीं करते। अब चौथरमा ITI के प्रोग्रेस रहा, श्रीनिवास तिवारी रहे, खुवा के मनगवा घर दिए, कुछ नहीं थे। हॉस्पिटल तो बनल रहा जो बन जाए था 100 बेड के, तो वो हम कला से बन न पाई, आधी बनी है, आधी में ब्रेक लग गया। क्यों? अब सिद्धार्थ भैया जो उनका कहीं तो है कि हमें कपूर करब, तो ब्रेक क्यों लग गया, कुछ जानकारी है? ब्रेक हो गई है कि नेता जो विपक्ष वाले हैं, विपक्ष में तो कोई है ही नहीं, कौन है विपक्ष में? अरे अच्छा नहीं, तो विपक्ष की चलती कहाँ है अभी? तो देखिए, अभी आप बोलो कि कोई अच्छा काम करने से कोई विपक्ष का नेता रोक टोक लगा रहा है और वो उस चीज में सक्सेसफुल हो रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात हुई ना। फिर सत्ता पक्ष भी इतनी पावरफुल होके कर क्या रही है? अब ये जैसे बीजेपी सरकार है, बताई कौनो काम ढंग के नहीं हो, झूठ बोल के सब काम किसानन के लूट लीन, कहीं किसानन कहीं 3100 रुपया धान ले, ओका कहां लेन, कहीं बोनस दे वो नहीं दी, नहीं मिला अभी तक, कहीं में कहां मिला, कुछ नहीं मिला। लाडनी बहना का तो मिला, तो अरे घर में लाडनी बहना तो मार डारी, 1,000 में का उखड़ जाएगा, वो न देते तो ठीक रात बल के। पर कुछ लोग हैं जिनके लिए मैटर करता है, हम मानी थे जेके पास 1 रुपया का आमदनी नहीं है, ऊपर 1,000 रुपया मिल जाती है ठीक है, पर जेके पास है ऊपर लाडनी बहना से का फायदा है? 1500 मिलते हैं, 1200 ये बताइए कि जैसे मतलब आपके कहने से इनका फायदा क्या हुआ? शिवराज सिंह को हटाने से कोई फायदा नहीं हुआ, अगर आज शिवराज सिंह होता तो 1700 या 2000 लाडली बहना मिला तब कुछ फायदा रहा। नहीं आए हमारे मैसेज का मिला लाइव में नहीं कही था, हमारे ससुराल ट्यूनी आए, उन्हें सिद्धार्थ तिवारी गाँव में। अच्छा अच्छा, मोदी सरकार को पसंद करते हैं? मोदी सरकार को पसंद नहीं कही चाहन में उनको मजबूरी है। क्यों मजबूरी क्या? मोदी सरकार करिष्ट कुछ नहीं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, राम मंदिर एक ऐतिहासिक यही काम किया है, बस ऐतिहासिक यही काम किया हुआ है। इसी ये बताइए ऐसे कौन से, ये बताइए 370 ठीक है, 370 हट गया, ये बताइए आप हमसे जानकार हैं, हम जानकार नहीं है, 370 हट गया, राम मंदिर बन, हमारे जितने भाई हैं सब बेरोजगार करे, उनका क्या होगा? वो क्या आप बेरोजगार हैं? ठीक है, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, बेरोजगार पूरे भाइयों की बात कर रहे हैं जो देश में हमारे आप बेरोजगारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना ज्यादा शोषण है प्रदेश में, हम प्रदेश कमों कमाई थे, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, से जो नहीं मिला भैया वही कही थी। अरे तो कुछ बताइए तब, में काम करी थे लेबर गिरी शुद्ध मान। अच्छा, तो तनख्वाह वगैरह क्या, वगैरह 7-8 हजार, इतना बड़ा शोषण है कि प्रदेश में केहू को नौकरी नहीं दी आज तक की मोदी, 10 साल बीत गया। आपो हन हम कही थे कि आपके पकड़ है, जैसे सिद्धार्थ तिवारी ने अब उसे नहीं कहता है, आज तक सब जी जीनर रहे, घरे आए रहे, सब चीज है, ससुरारों के रहे,
सब चीज है, लेकिन अब तो मिलवा ही नहीं भाई। अब लोग कहा था कि चिंता ही हम तो नहीं मिले ना बा, जब फिर भी तो हर व्यक्ति को अगर वो पहचानने लगेंगे, हर व्यक्ति से वो करने लगेंगे तो काम करेंगे। हर व्यक्ति काम ना करा, कुछ ऐसा काम कर दे चौथर तहसील में जो कुछ व्यवस्था हो जाए, कुछ रोजी रोटी। क्या क्या आपकी मांग है कि यहाँ होना चाहिए? रोटी मिल जाए, सारा सगला पहाड़ खाली है, पूरा कहूँ फैक्ट्री सेक्ट्री लगवावा, न सुंदर लाल करी न दादा करी। भैया है की दादा मरी है एक ही वजह से, इनका ब्राह्मण की वजह से चुनाव जीतिए, नहीं चुनाव जीतते आपसे बताइए। कांग्रेस मुझे चुनाव जीतती है, बीजेपी माइग्रेन चुनाव जीती है। तो देखिए वो तो विधि ने और त्योंथर की धरती ने उनको चुन रखा था, तब ये सब हुआ। तो धरती ने पसंद कर सकते हैं पर दादा हमें वोट लेके ही चुनाव जीते हैं ना, सिर्फ दादा की वजह से, दादा का नाती आई। अब ब्राह्मण बाकी जाट इतने वोट नहीं कैसी आए, ब्राह्मण बाहुल है, ब्राह्मण 70,000 मत। तो ये बताइए दूसरे ब्राह्मण भी तो थे, बढ़िया बड़े नेता थे जो विरोध में भी श्यामलाल द्विवेदी। हाँ, तो निर्दलीय क्यों नहीं लड़े? श्यामलाल द्विवेदी अगर चुनाव लड़े होते, श्यामलाल द्विवेदी की टिकट मिला होते, श्यामलाल द्विवेदी चुनाव जीतते दोबारा। वो तो सब वो कह रहे थे, हम बात अपना कर लिखित दे सकते, वो तो सब कह रहे थे उनके विधायक होते हैं। तो मतलब लोगों ने बीजेपी को वोट किया? हाँ, लोगों ने बीजेपी को वोट किया। फिर बीजेपी तो फिर मोदी सरकार आपको डायरेक्ट दे तो रही है, आपके 2000 रुपया किसान का दे रहा है, 2000 मक्का उखड़ते भैया बताइए। पहले मिलता था, मैं इसी क्षेत्र का हूँ। आज के समय में आपने देखा होगा, इंदौर गए होंगे, 8,000 की आप नौकरी करते हैं, इस क्षेत्र में ही मैं आपको 10,000 की नौकरी देता हूँ, करेंगे आप? बिल्कुल यही कर पाएंगे। क्या काम कर सकते हैं? जो अपना दे दे वो हम सब कर सकते हैं, गायों की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, गौ सेवा तो उससे अच्छी का है। तो ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे 10,000 रुपए महीने की फिक्स्ड सैलरी पे तनख्वाह देता हूँ। बड़ा गांव का रहने वाला हूँ, द खबरदार न्यूज करके न्यूज चैनल है हमारा। सुना है आपने कभी द खबरदार न्यूज के बारे में? कब और कैसे? अरे हम टीवी रखे हैं घर में, सब देखी थी खबर। टीवी में आता ही नहीं है, टीवी में द खबरदार न्यूज नहीं आता। मोबाइल चलाते हैं? मोबाइल हमारे पास इतना पैसा नहीं है भैया कि हम जो टच वाली मोबाइल। पर आप दिखने में तो इतने गरीब नहीं लगते, दिखने में नहीं लगते कुछ, तो या तो आप छुपा रहे हैं, आप हैप्पी भी हैं, खुश भी हैं। घर बना है, है। आज सामने है। पिताजी हमारा सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, हम बेरोजगार हैं भैया, दूसरे बिटिया आई, बड़ी समस्या है, जमीन जगह बहुत इक्का नहीं है। तो नौकरी करेंगे तो हमारे द खबरदार न्यूज में ही आपको नौकरी। बिल्कुल नौकरी करेंगे, हम नौकरी ढूंढते हैं भैया। तो आप हमारा नंबर ले लीजिए और नौकरी हम आपको तुरंत दे देंगे। और भी कोई बेरोजगार हैं जो आपकी नज़र में उनको? पर समस्या आप सुनिए, बेरोजगारी आप मानते हैं कि एक समस्या है, 8,000 में आप फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आपका जो काम रहेगा, मैं आपको काम भी आपका बता देता हूँ। चलो यही तनख्वाह की और काम की बात कर लेते हैं, काम कितना काम करने के लिए तैयार हो? जितना आप बताई यह रहा कि हाँ मनाई कम से कम इतना काम रहा कि बहुत बोझिल ना लगा। नहीं, काम कर सके, तन का काम नहीं है, मन का काम। हाँ, है ना, मन का कुर्सी में बैठे बैठे वाला काम। बिल्कुल काम, जैसे हम लोग घूम रहे हैं ना, ऐसे लोगों से आप तो बातचीत करने में भी अच्छे हो, ऐसे ही एक जन आ जाएंगे आपके साथ में, लोगों से बातचीत करना काफी कुछ जानकारी। मैं त्योंथर का, रीवा का। नहीं क्यों सर, रीवा का कौन है पार्टी की? मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं, हमारा न्यूज चैनल। अच्छा, है न्यूज चैनल। तो न्यूज चैनल किसी का सपोर्ट नहीं करता, ना किसी का विरोध करता, वो ऐसे आप जैसे लोगों की आवाज बनता है। मोदी सरकार 10 साल रही, 10 साल में मोदी सरकार कुछ नहीं दिया। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? त्योंथर में कुछ नहीं दिया, कई पुल बनी, कई नई रोड बनी, ये रोड आपकी। वो जो पुल बनी आप देख रहे हैं वो रमाकांत तिवारी विधायक की देन है। अच्छा, ये श्रीनिवास तिवारी बोल के गए थे कि साहब कोई लाल नहीं जन्मा है त्योंथर में कि जो पुल बनवा दे, तो लाल जन्मा था रमाकांत। तो तिवारी लाल फिर चुनाव क्यों नहीं लड़े? तिवारी लाल को टिकट नहीं मिला। तो टिकट नहीं मिला तो अगर उनके अंदर आप, उनके पिताजी इतना अच्छा काम किए थे तो लोग वोट करते क्या? तिवारी लाल निर्दलीय लड़ जाते तो सिद्धार्थ तिवारी हार जाते, उनसे हाथ जोड़ के विनती की गए है कि भैया आप चुनाव मत लड़ो। अच्छा, हाँ वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे बिल्कुल, लेकिन पूरी पब्लिक पहुंची है, करीब 10,000 पब्लिक पहुंची है उनके पास, आइए हाथ जोड़ के विनती की गई भैया आप चुनाव मत लड़ो, ब्राह्मण समाज की मेचाव करिए। तो ये बताइए कोई नेता जिसको 10,000 लोग मनाने आए, यहाँ दो सपोर्टर नहीं होते लोग चुनाव लड़ जाते हैं, तो जिनके 10,000 सपोर्टर मनाने आ रहे हैं कि भैया आप चुनाव मत लड़िए, उस आदमी को किसी की सुननी चाहिए, बोलना चाहिए मैं लड़ूंगा, जिसको देना होगा देना, नहीं देना होगा नहीं देना। ये बुद्धिमानी है। क्यों हार जाते चुनाव? कौन चुनाव हार जाते दोनों?
तो उससे किसका फायदा होता? उससे फायदा किसी का नहीं होता। पहले बताइए कि आप ब्राह्मण हैं तो मतलब लोग मोदी को ब्राह्मण ही हैं कि नहीं ये बताइए। देखिए ब्राह्मण वामण से क्या होता है, अगर आप बेरोजगार हैं। मेरे माँ बात सुनिए, ऐसा है कि आप अपना जात बताइए पहले। हम कुशवाहा, मैं कुशवाहा हूँ। आप ये ब्राह्मण है? आप ऐसा है चुनाव तो हार जाते, लेकिन इसमें फायदा देखो तेउथर का फायदा होना चाहिए था। तेउथर का फायदा क्यों मतलब कहे? तेउथर का फायदा अरे छोकर रमाकांत तिवारी करी नहीं है रोड या तो कोई तेउथर में ऐसा नेता नहीं है जो तेउथर के भले के लिए अभी काम करता हो। तेउथर के भले के लिए काम है, श्याम लाल तो जीते तो गाड़ी दे रहे हैं। यही ये काम करावा जाए तो पटवारी काम गाय जाए, काम तहसीलदार गाय जाए, मंच पर रायन हो जो सुने हो शिवराज सिंह रिजवामा मंच पर कह दी कि श्याम लाल अपनी आदत को सुधारो। क्या कहें मंच पर क्या कहा उन्होंने श्याम लाल का? क्या आप गलत करते हैं, आप कर्मचारियों को गाड़ी देते अपनी आदत को सुधारो। अच्छा मंच पर कहीं है, फिर सुधार आया उसमें? सुधार का आया, टिकट कटी गई पूरी का सुधार का आया। तो सिर्फ गाली की वजह से टिकट कटा? काम किए थे, काम हो गया। फिर जो रहा बिचारे के पास काम कर रहा, मिल अनुसार रहा, रमाकांत वाला हुआ रहा कि मैंने नियुक्ता हकार नियुक्ता हकार घर आए जा रहे हैं, खाए मिल ले रहे हैं, सुख दुख में आते थे, सुख दुख में शामिल रहा। वो गुण था, वो गुण था, वो गुण अच्छा था, रमाकांत वाला गुण रहा। तो सिद्धार्थ में भी कुछ अच्छे गुण होंगे? अब सिद्धार्थ दादा के नातिन यही गुण है, ये कहे कही कि अब गुण है उनके पास, वर भी है कहीं बने हैं, अब गुण नहीं आया। तो तेज दिखता है वो, कुछ करेंगे ऐसा लगता है। अब देखिए क्या करत था तेउथर का विकास, क्या करत? अभी 11,000 करोड़ आया है तेउथर के लिए, आपको जानकारी है उसकी? कहा बने का दिया भाई 11,000 करोड़? इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, आप यहाँ रहते हैं। हम कहीं नहीं, हम तो बताए इंदौर रहे। अच्छा आप इंदौर में? हम कहा यानी कहा आवा। तो तेउथर में ऐसा आपको क्या लगता है, क्या हो जाना चाहिए कि आपको यहीं रोजगार मिल जाए? रोजगार हो चाहिए जगह खाली, वो है का नाम है रोजगार, हर जगह कहूँ कहूँ फैक्ट्री लग जाए, पहाड़ खाली है, कुछ बन जाए तेउथर लोगों का। तो उसके अलावा भी तो कुछ चीजें हो सकती है ना, उद्योग लग जाए, कोनो उद्योग लागे जो नहीं। पर्यटन के मामले में क्या कहेंगे? पर्यटन बढ़िया है ना, अड़गननाथ स्वामी की जैसा पर्यटन, उसी को सुधार दो, पर्यटन विदेश के लोग आवे लगी। तो चाक घाट का जो पुल है, चाक घाट का पुल बढ़िया है आपका है, उसमें लाइट वाइट नहीं जलती, जाते हैं कभी उस साइड में? अब लाइट हम रात के नहीं गए ना, लाइट रात के वो नगर पालिका नगर पंचायत का काम है वो, अब ये सिद्धार्थ का काम ना हो या नगर पंचायत का काम है। तो घूमते तो सब साथ में ही है, तो बोलना चाहिए ना कि इसको सुधार करवाइए। भैया लाइट है, झाड़ू लगाओ, सिद्धार्थ काम ना हो। नहीं है ये तो नहीं ही है, विधायक आए। चलते हैं, बहुत अच्छा लगा, आप अपना परिचय दे दो एक बार। हमारा नाम बबलू मिश्रा है, हमारा घर यहीं पर है, घर है।